आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर से लगे करही नंबर 1 में जल संकट की दिनों काफी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बीते 3 दिन से लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। लोगों में आक्रोश इसलिए भी व्याप्त है कि नई टंकी के उद्घाटन के पहले दिन में 3 बार पानी आता था, लेकिन उद्घाटन होते ही दोनों ही टंकियां जलविहीन हो गई है। क्या नल नहीं आ रहा क्या? नहीं तो सप्लाई वाला। कितनी टंकियां यहाँ बनी है? दो टंकी नहीं। दो टंकी बनी है, दो बूंद पानी नहीं। पानी नहीं अब एक रात के मोटर न सानी तो का कर। विकास कौन सा गांव है ये? करहिया। क्या तकलीफ है? ये तकलीफ है कि इसमें पानी नहीं आ रहा है 2 महीना से। 10-20 रोज हो गया पानी नहीं आ रहा है ना? पानी नहीं आ रहा है, टंकी में पानी नहीं है, एक बूंदा नहीं है ना। चालू करते हैं ना, भरते हैं पानी। दरअसल यह पूरा मामला रीवा शहरी क्षेत्र से लगे करहिया का है, जहां हाल ही में लोगों को नल जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवनिर्मित टंकी का उद्घाटन स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया था। बताया गया कि बिना मोटर कनेक्शन के ही ठेकेदार के द्वारा टंकी का उद्घाटन करा दिया गया और अब नई टंकी को शुरू करने के लिए पुरानी टंकी का कनेक्शन भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब स्थानीय लोगों के लिए जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी है, बल्कि स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को भी धोखे में रखकर आनन-फानन में उद्घाटन करा दिया गया है।